हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू रियलिटी। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये डिस्ट्रिक्ट की आईडी ले सकते हैं जिसके थ्रू निवास, आय, राशन कार्ड, अन्य सेवाएं दी जाती हैं। अगर आपके एरिया में सुसेसी वाईफाई चौपाल और कोई दूसरी प्राइवेट कंपनी है जैसे सहज या वायाकॉम, तो आप उससे अप्लाई कर सकते हैं। सुसेसी वाईफाई चौपाल के थ्रू एक एरिया में सिर्फ एक आईडी दी जाती है। अगर आपके एरिया से पहले किसी ने अप्लाई कर दिया है तो आप प्राइवेट कंपनी के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो आज मैं इस प्रोसेस में बताऊंगा कि आप कैसे अप्लाई करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सहज के थ्रू आपको कैसे अप्लाई करना है। तो आइए मैं आपको ले चलता हूं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा। गूगल पे आप सर्च करेंगे सहज, एंटर करेंगे और जो पहला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे, newsahej.co.in। आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आप देख सकते हैं ऊपर तीन ऑप्शन दिए हैं, सहज कॉर्पोरेट, रजिस्ट्रेशन, इंग्लिश, और इस पर जब क्लिक करेंगे तो हिंदी का ऑप्शन भी है। अगर आपको इंग्लिश में समझने में दिक्कत है तो आप यहां से हिंदी सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे तो फिर आप देखेंगे तीन ऑप्शन आ रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन, नो योर स्टेटस और कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन। आप यहां पर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा जिसमें आपसे ऊपर पूछा गया एंटर रेफरल SMID और नीचे आपको लिखा देख सकते हैं लिखा है स्किप टू रजिस्टर फॉर्म। यहां आप स्किप टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी जिसमें आपको कैटेगरी सेलेक्ट करनी होगी। उससे पहले आप देख सकते हैं एंटिटी टाइप दिया है इंडिविजुअल या बिजनेस। अगर आप CSC सेंटर चला रहे हैं तो आप यहां पे बिजनेस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने लिए पर्सनली भर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल सेलेक्ट करेंगे। यहां पे बिजनेस सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे SM कैटेगरी पूछा गया है, इसमें सहज मित्र सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपका एरिया जो CSC सेंटर का वो कहां है, रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है, जिस एरिया में आपका CSC सेंटर हो आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मेरा रूरल में है तो मैं रूरल सेलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद नीचे देखेंगे इस तरह का कुछ फॉर्म आएगा जिसको आपको फिल करना होगा। यहाँ कैटेगरी पूछी गई है, प्रोवाइडरशिप सेलेक्ट कर लीजिए, आपका CSC का नेम या दुकान का नाम जो भी हो आप यहाँ फिल कर दीजिए, किस डेट से चल रही है वो दुकान वो यहाँ पे फिल कर दीजिए। उसके बाद सैल्यूशन पूछा है, मिस्टर मिसेस या मिस जो भी आप हो, आपका नाम हो, जिसमें आपने दुकान सेंटर जहाँ डाली है, जो बैठता हो ओनर हो उस सेंटर का, वो अपना यहाँ पे सैल्यूशन सेलेक्ट कर ले। यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाले, यहाँ मिडिल नेम और यहाँ लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ अपना मोबाइल नंबर डाले, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक मैसेज आएगा OTP वेरिफिकेशन के लिए, उसको वेरीफाई कर ले। उसके बाद यहाँ पे अल्टरनेट मोबाइल नंबर पूछा गया, अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर है तो यहाँ एंटर कर दे वरना इसको छोड़ दे। इसी तरह से ईमेल आईडी डालेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे तो आपके पास OTP आएगी एक ईमेल पे, उसको डाल के वेरीफाई कर ले। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद फॉर्म से आप एग्जिट हो जाएंगे और आपके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, कुछ इस तरह का मैसेज होगा जिसमें लिखा होगा, डियर एप्लीकेंट, योर टेम्परेरी फॉर्म आईडी इज दिस एंड दिस हैज बीन जनरेटेड एंड वैलिड फॉर 48 आवर्स, प्लीज कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन। आप दोबारा से रजिस्ट्रेशन पे जब क्लिक करेंगे तो कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपनी फॉर्म आईडी इंटर करेंगे। फॉर्म आईडी यहाँ पे इंटर करने के बाद आप जब सबमिट करेंगे तो जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे आधार, पैन और एक फोटोग्राफ। अब ये चार चीज़ें अपनी रेडी रखिएगा और इसको अपलोड कर दीजिएगा। क्योंकि मैं ये आगे का फॉर्म भर चुका हूँ इसलिए दोबारा मैं ओपन नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे अपनी फॉर्म आईडी डालता हूँ तो ये मुझे स्टेटस शो करता है। इसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद जब सबमिट करेंगे तो आपके पास फिर एक मैसेज आएगा जिसमें आपको लिखा होगा, इस तरह का कुछ मैसेज होगा जिसमें लिखा होगा, थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट टू बी कम अ सहज मित्र, योर एप्लीकेशन नंबर इज दिस एंड दिस, वी विल रिवर्ड यू विद इन 3 वर्किंग डेज। रजिस्ट्रेशन पर जब दोबारा क्लिक करेंगे तो नो योर रजिस्ट्रेशन स्टेटस ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। लास्ट मैसेज में जो आपके पास एप्लीकेशन नंबर आया है इस मैसेज को आप यहाँ पे इंटर करके सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस शो आ जाएगा। यहाँ अपनी एप्लीकेशन आईडी डाल के जब सबमिट करेंगे तो आपका स्टेटस यहाँ पे शो हो जाएगा, कुछ इस तरह से स्टेटस शो होगा, अवेटिंग फॉर अप्रूवल। यहाँ से आप अपना पूरा फॉर्म जो आपने भरा है वो देख सकते हैं। ओपन होने के बाद आपके पास इस तरह का फॉर्म आएगा जिसमें आपकी पूरी डिटेल्स जो आपने भरी थी सहज मित्र में वो शो होने लगेगी, और ये आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो आपको अपलोड करने होंगे, जैसे मैंने पहले बताया था, फोटो, पैन कार्ड और आपका आधार नंबर। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कैसे सहज में आप अप्लाई करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरह की मोर इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।